हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं आटे की बर्फ़ी, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान होती है बनानी। आटे की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। 2 कटोरी आटा लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने लिया है जिस कटोरी से मैंने आटा नापा था उसी कटोरी से मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी बूरा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े सा गोले का बारूदा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे कढ़ाई में गोले का बारूदा और हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप इसको फ्राई करेंगे आपको जो गैस की फ्लेम है गैस बिल्कुल लो रखनी है, और यहाँ पर आपको इसको लगातार चलाते रहना है ताकि नीचे लग ना जाए कढ़ाई में। तो यहाँ पर आपको इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करना है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, बस सूखा ही मैंने फ्राई किया है इसको। इसको भूनने के बाद मैंने ये सारा बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कढ़ाई हमारी खाली हो गई है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है। जब ये देसी घी अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आटा। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो घी है वो पिघलना भी शुरू हो गया है, इसका मतलब ये गर्म हो गया है। अब चलिए हम इसमें गेहूं का आटा डाल दें हैं। आटा मैंने छान लिया था पहले ही अच्छे छानने में, तो आपको भी ऐसे करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे आटे को घी में अच्छे से मिक्स करना है और इसको लगातार चलाते रहना है 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि जो आटा है हमारा भुन जाए, बिल्कुल भी ना जले। क्योंकि क्या होता है गाइस, जो गेहूं का आटा होता है बहुत जल्दी जल जाता है, कढ़ाई में लग जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको लगातार चलाते रहना है ताकि जो आटा है जले ना और घी में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो आटा है हमारा घी में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी गांठे नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यस, ये जो ये वाली बर्फ़ी होती है ना गेहूं के आटे की, ये बहुत ही अच्छी होती है सर्दियों में खाने के लिए। घर में कोई भी मीठा ना हो आप इसको बना के भी रख सकते हैं। तो जब ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हम इसमें डालेंगे गाइस मलाई। मैंने एकदम यहाँ पे फ्रेश मलाई ली है। तो यस, मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच इसमें डाले हैं मलाई के। अब हम क्या करेंगे, मलाई को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है, लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, जो सारी मलाई है हमारे आटे में मिक्स होने शुरू हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मिल भी चुकी है। तो ऐसे ही आपको उसको लगातार चलाते रहना है। तो यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये कितने ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे गाइस, आप देख सकते हैं जो हमने ये मिक्स किया था आटा मलाई सब कुछ, वो मैंने बाहर निकाल लिया है प्लेट में। अब जो कढ़ाई हमारी खाली हो गई है मैंने डाला है इसमें 1 कटोरी बूरा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बूरा लिया है। आप यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इससे बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी लिया है 1 कटोरी बूरा के साथ, मैं इसको मिला देती हूँ और हम इसको ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो बूरा है एकदम अच्छे से मिल जाए और चाशनी बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-10 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो जो चाशनी है गाइस कुछ इस तरीके से हो चुकी है, बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। चाशनी की ये पहचान होती है, जब इसमें एक तार बन जाता है तो उसका मतलब कि चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चाशनी रेडी होने के बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने ये तैयार किया था आटे का। तो यहाँ पर हमने सारा इसमें डाल दिया है, अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में मैंने इसमें ऊपर से डाला है गोले का बारूदा। अभी आपको ये पतला लग रहा होगा लेकिन ये एकदम थिक हो जाएगा जब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लगातार चला दिया है, आप देख सकते हैं गाइस ये लगातार चलाते चलाते कितना थिक हो चुका है। तो यस, ये बहुत ही अच्छी लगती है गाइस खाने में बर्फ़ी, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार अपने घर में। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने ये रेडी किया है हम इसको एक प्लेट में घी लगाएंगे और उसमें फैला देंगे अच्छे से। तो चलिए, मैंने यहाँ पर क्या किया था, प्लेट में घी लगाकर पहले से ही रख लिया था। अब हम सारा जो हमने रेडी किया है ये हम इसमें इसको फैला देंगे बहुत अच्छे से। अब ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसको चम्मच से फैला रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको फैला दिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे गाइस फैलाकर, पहले मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा लेती हूँ। आपको गरम गरम के ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाने हैं ताकि अच्छे अच्छे पक जाए। ड्राई फ्रूट्स लगाने के बाद आपको कम से कम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि जो बर्फ़ी है अच्छे से जम जाए हमारी।
तो यहाँ पर जब आप इसको 3 से 4 घंटे के बाद चेक करेंगे गाइस, तो जो हमारा बर्फ़ी का लुक है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं अब इसको बर्फ़ी के शेप में काट रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरीके से कट भी रहा है, आप देख सकते हैं। तो यस, आपको इसको चकोर आकार में ही काटना है। ये बहुत ही इजीली मैंने सारी बर्फ़ी काट दिया गाइस, आप देख सकते हैं। हमारे आटे की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ अलग करके। तो यहाँ पर मैंने सारी बर्फ़ी को अलग अलग कर लिया, आप देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में तो बहुत ही यम्मी लगती है ये। होप गाइस आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आप देख सकते हैं चारों ओर से कितनी अच्छी शेप आई है बर्फ़ी की, एकदम मार्केट की तरह। और ये बहुत ही ईजी होती है बनानी, बहुत झटपट से बन भी जाती है बिना किसी हेडक के। तो यस, मैं मिलती हूँ आपको जल्दी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय गाइस, ध्यान रखें।